जीवन मरण का जो ये साइकिल चल रहा है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, मृत्यु और जीवन का जो ये चक्र चल रहा है लगातार, ये हजारों लाखों जन्मों से चल रहा है। मैंने अपने पास लाइफ पता लगा के देखी है, मुझे लगभग 10 लाख जन्म हो चुके हैं, 10 लाख टाइम अलग अलग रूपों में इस धरती पर और अन्य ग्रहों पर मेरा आना जाना हुआ है। कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने अन्य लोगों के बारे में देखा, इसी तरह अन्य लोगों के भी, किसी के 2 लाख, 5 लाख, किसी के मेरे से भी ज्यादा, मतलब और जन्म भी हो चुके हैं, 15 लाख, 20 ऐसे जन्म भी हो चुके हैं। इतने जन्मों का आखिर पर्पज क्या है? नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ही में किसी का सवाल था कि निर्वाण में और मोक्ष में क्या फर्क है। निर्वाण की बात बुद्धत्व में आती है, मोक्ष की बात सनातन धर्म में आती है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसके कारण जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा है। तो एक बार इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। क्या आप भी इन शब्दों को लेकर कंफ्यूज हो? कभी सुना है आपने? मोक्ष के बारे में जरूर सुना होगा। जीवन के 4 उद्देश्य सनातन धर्म में कहे जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थात अर्थ का मतलब है कि धन प्राप्ति के लिए प्रयास करना, काम का मतलब है जीवन में जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करना, धर्म की पालना करना, जो धर्म आपको जिस फर्ज को निभाने के लिए आए उसका पालन करना, और अंत में जीवन के जब मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होना। इसके लिए जीवन को एक खास तरीके से संयमित ढंग से चलाने की धारणा सनातन धर्म में आती है कि इस तरीके से प्रयास करो कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन निर्वाण की जो धारणा है, ये धारणा आई है बुद्ध धर्म से। बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, बुद्धत्व में निर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण शब्द का अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है उनकी भाषा में, निर्वाण का अर्थ है दिए का बुझ जाना। दिया मतलब क्या? दिए का मतलब अहंकार का बुझ जाना, मैं अलग हूं, ये वाला भाव प्रकृति के साथ समाप्त हो गया। प्रकृति के साथ जो हम अलगाव फील करते हैं कि तुम अलग और मैं अलग, ये वाला भाव समाप्त हो गया। आपको ये अनुभव होने लगा कि जो तुम हो वही मैं हूं, जिसके लिए सोहम जैसे महावाक्य इस्तेमाल किए गए हमारे सदग्रंथों में, जिसके लिए अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य यूज किए गए, जिसके लिए तत्वमसि जैसे महावाक्य यूज किए गए कि वो तुम ही हो। क्या तुम ही हो? वही जो परम अवस्था है, वही जो मोक्ष की अवस्था है, वही जो सर्वोच्च सत्ता है, और तुम और वो, उसके बीच का भेद समाप्त हो गया। आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो ये जो अवस्था आती है, आमतौर पे जैसा मैंने कहा, मोक्ष की जो धारणा है वो मृत्यु के बाद की बात की जाती है कि मृत्यु के बाद मोक्ष घटित होगा। मोक्ष हुआ या नहीं हुआ, आमतौर पे हम ये कहते हैं कि आत्माराम निकल गया, मुक्ति हुई कि नहीं हुई, मुक्ति हुई कि नहीं हुई। तो मुक्ति होना, मुक्ति होने का मतलब यहां जो मैं बात कर रहा हूं, एक होता है इस जीवन से मुक्त होना, अर्थात ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है इसमें दोबारा ना आना। जीवन मरण का जो ये साइकिल चल रहा है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, मृत्यु और जीवन का जो ये चक्र चल रहा है लगातार, ये हजारों लाखों जन्मों से चल रहा है। मैंने अपने पास लाइफ पता लगा के देखी है, मुझे लगभग 10 लाख जन्म हो चुके हैं, 10 लाख टाइम अलग अलग रूपों में इस धरती पर और अन्य ग्रहों पर मेरा आना जाना हुआ है। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने अन्य लोगों के बारे में देखा, इसी तरह अन्य लोगों के भी, किसी के 2 लाख, 5 लाख, किसी के मेरे से भी ज्यादा, मतलब और जन्म भी हो चुके हैं, 15 लाख, 20 ऐसे जन्म भी हो चुके हैं। इतने जन्मों का आखिर पर्पज क्या है? उद्देश्य क्या है? क्या वो पर्पज मीट हुआ, मिला जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था? तो इस जीवन का जो उद्देश्य है वो खुद को जानना, खुद को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, और संसार के लोगों की सेवा करने में समर्थ हो पाना, ये इस जीवन के मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको ये जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा होता तो आपको बार बार इस धरती पर लर्निंग करने के लिए दोबारा आना पड़ता है। तो जो मोक्ष की धारणा है वो ये है कि आप इस प्रोसेस से बाहर हो गए, आपने अपने समस्त कर्म बंधनों से छुटकारा पा लिया, आपने वो सभी कर्म बंधन जो आगे के लिए आपको बार बार इस धरती पर बुलाते थे, उस काम को आपने कंप्लीट कर लिया, उस काम को आपने कंप्लीट कर लिया, और अब आप यहां से मुक्त हो। इस आवागमन में दोबारा आपको आने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये नॉर्मली ये धारणा होती है मृत्यु के बाद घटित। इसी तरह से बात की जाती है, भगवान श्री कृष्ण जीवन मुक्त अवस्था की बात करते हैं, अन्य संतों ने भी जीवन मुक्त अवस्था की बात की है। जीवन मुक्त का मतलब जीवन में रहते हुए मुक्त हो जाना, जीवन मुक्त और निर्वाण एक ही बात है। मतलब जीवन में रहते हुए वो अवस्था आ गई कि अब आपने परम मुक्ति का अनुभव जीते जी कर लिया। ये अनुभव जो है ये बड़ा दिव्य अनुभव होता है, ये अनुभव जीते जी हो गया, दिए का बुझ जाना, इसी को बुद्ध ने कहा।
निर्वाण हो जाना दोनों एक ही बात है, जीवन मुक्त और निर्वाण एक ही बात है, जो कि जीवन में रहते हुए हो जाती है। जैसे भगवान बुद्ध को अवतरित घटित हो गया लगभग 40 साल की एज में, उनको निर्वाण घटित हो गया, निर्वाण हो गया। लेकिन उसके बाद बुद्ध जो बुद्धत्व घटित हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्मज्ञान हो गया। अब उसके बाद बुद्ध 40 साल और जिए, लेकिन तब जीवन मुक्त अवस्था में जिए, कोई बंधन उन्हें बांध नहीं सका था। और अंत में अब उनकी च्वाइस है कि वो दोबारा आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, वो उनकी च्वाइस है। लेकिन अब उनको कोई चीज यहां पर बांधने वाली नहीं है, राइट? तो जीवन मुक्त का मतलब जीते जी मुक्त हो जाना, निर्वाण मतलब जीते जी मुक्त हो जाना, निर्वाण और जीवन मुक्त एक बात है। तो इस तरीके से हम बात को समझ रहे हैं। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, वो है अपनी इच्छाओं वासनाओं को खत्म करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है, जो इंसान किसी ना किसी वासना में बंधा हुआ है या कर्म बंधन में बंधा हुआ है, उदाहरण के लिए बंधन जो अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, दोनों ही बांधने वाले बन जाते हैं। पहले तो बुरे कर्मों से छुटकारा पाया जाए। बुरे कर्म मतलब कोई भी ऐसे कर्म जो मैंने पहले कभी किसी के प्रति बुरा किया हुआ है तो उसका रिजल्ट मुझे भोगना पड़ेगा, अगर किसी के प्रति अच्छा किया हुआ है तो उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा। तो पुरानी जो पिछले जो जन्मों में सब किया हुआ है उसका इस जीवन में भोग, उसको भोग कर अब आगे की यात्रा पर मैं आगे चलूं, उसके लिए मुझे ये क्लियर करना है कि क्या मेरे और कर्म बंधन बाकी हैं। अगर मेरे मन में और इच्छाएं बाकी हैं, मतलब किसी व्यक्ति ने मेरा बुरा किया और मेरे मन में आता कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको तो इसका मतलब छोड़ूंगा नहीं का मतलब क्या होगा, बदले की भावना अगर मैं अपने मन में रखूंगा तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये जीवन तो खत्म हो गया, तो दोबारा आना पड़ेगा, उसको भी आना पड़ेगा जिससे आपको बदला लेना है। तो ये कर्म बंधन बहुत लंबा जाता है, फिर कभी वो मुझे परेशान करेगा, कभी मैं उसे करूंगा, और ये कर्म बंधन लगातार चलता रहेगा। जीवन मुक्त का मतलब क्या होगा, इसको जीवन मुक्त अगर मुझे होना तो क्या करना पड़ेगा, एक भी उनमें से माफ कर दे और माफी मांग ले कि अगर मैंने तुम्हारे प्रति कोई गलती किया तो मुझे माफ करो। तो ये बंदा जीवन मुक्त की लाइन पे चला गया। ये बंदा चाहे उसने माफ किया हो या ना किया, इसने अगर हृदय पूर्वक माफी मांग ली तो परमात्मा इसे मुक्त कर देता है। तो इस तरीके से जीवन मुक्ति की राह पर चला जाता है। क्या आप इस राह पर चल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप जीवन मुक्त हो चुके हैं, इच्छाओं से वासनाओं से डिजायर से मुक्ति हो गई है? अगर हो गई, अगर आपको लगता है कि धरती पर आने का कोई खास पर्पस नहीं बचा, कोई इच्छा नहीं है यहाँ पर आने की, तो समझिए कि आप बिल्कुल मुक्ति की राह पर चल रहे हैं। आप मृत्यु के बाद मुक्त हो या अभी अपने आप को मुक्त मान लें, मतलब अगर आप मुक्त हो चुके, इच्छाओं से मुक्त हो गए तो आप मुक्त हो गए, वासनाओं से मुक्त हो गए, आपके मन में कोई ऐसी डिजायर पैदा नहीं होती कि मुझे संसार में ये करना है वो करना है, ये इच्छाएं संसार के फर्ज निभाने हैं। फर्ज निभाने को हम उस कैटेगरी में नहीं डालते, लेकिन जब आप न्यूट्रल होकर अपने फर्ज निभाते हो, सबके प्रति प्यार का भाव रखते हुए न्यूट्रल होकर फर्ज निभाते हो, फिर आप जीवन मुक्त अवस्था में हो। क्या आपको यह अवस्था प्राप्त है? अगर है तो एप्रिशिएट कीजिए। अगर हो जाती है यह अवस्था, इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन आप सुपर ह्यूमन हो जाओगे, ऐसा नहीं कि आप मैं मुक्त हो चुका हूं, यू डोंट से दैट, बट इंटरनली आप फील हो जाते हो कि मैं मुक्त हूं, मुझे कोई बंधन नहीं है किसी भी तरह का। कितने लोगों को लगता है कि वास्तव में घटना घट चुकी है? अगर घट चुकी है तो आप इस चैनल पर ऐसे ही नहीं आए। यहाँ पर आप मेरी जिंदगी में वही लोग अट्रैक्ट होंगे जो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करते होंगे। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से कहीं ना कहीं मैच जरूर करती होगी। डेफिनेटली ये आपकी जीवन मुक्त अवस्था है। हाँ, कुछ छोटे मोटे बंधन रह सकते हैं। हो सकता है कि जीवन में अभी छोटी मोटी कोई बातें मन में पड़ी हो कि हाँ ये वाला फर्ज पूरा कर ले, ये फर्ज आपको पूरे करने हैं, भाग नहीं जाना, शॉर्टकट नहीं है इनसे निकलने का, लेकिन फिर भी आपको कोई बंधन नहीं है, बंधन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आप जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। और अंत में मोक्ष को पाना या ना पाना अब आपकी च्वाइस है। अब आपको दोबारा आना है या नहीं आना, ये आपकी च्वाइस है। या परमात्मा से अभी से प्रार्थना कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको अगला जीवन दिया जाए या ना दिया जाए, ये डिसीजन होता है। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।